उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राहुल ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद ने पत्र के जरिए बताया कि हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द कम पड़ गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी बताया कि पीड़ित परिजनों ने इस हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही राहुल ने दोषियों के खिलाफ कठोर सजा की मांग की है। हाथरस घटना को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, कहा, हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए। दोषियों को कठोर सजा दी जाए जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। राहुल ने हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। राहुल ने लिखा कि हाथरस भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत से स्तब्ध हूं। हृदय में पीड़ा के साथ आपको पत्र लिख रहा हूं। यह जानता हूं कि आप भी यही पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। मैंने अलीगढ़ और हाथरस के कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए। यूपी सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वह अपर्याप्त है, इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। पीड़ित परिवारों ने मुझसे साझा किया कि हादसे के लिए वहां का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, उसकी लापरवाही और संवेदनहीनता से हादसा हुआ। इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं न्यायिक जांच आयोग की टीम आज जिला अस्पताल में घायलों से पूछताछ कर सकती है। शनिवार को टीम ने डीएम और एसएपी से घटना के बारे में जानकारी ली थी, घटना स्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस ने भोले बाबा की राजनीतिक फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। हादसे पर हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उन्होंने कहा, देव प्रकाश मधुकर को हॉस्पिटल से नहीं बल्कि दिल्ली के नजफगढ़ से एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। भगदड़ वाले दिन इन लोगों ने बाबा की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला। इनको जानकारी थी कि भगदड़ हो सकती है। भगदड़ के बाद भीड़ को संभालने का प्रयास नहीं किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसकी भी जांच की जाएगी कि किसी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं किया गया। देव प्रकाश लंबे समय से संगठन का काम करता था, वह फंड भी इकट्ठा करता था। उधर हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा के सेवादार का ऑडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहा है कि बाबा ने कहा था, आज प्रलय होगी, कई लोगों की मौत होगी। प्रलय हो भी गई, अपने आप ही लोग सड़क पर गिरने लगे, फिर लाशें बिछ गईं। साकार हरी लोगों को जिंदा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वह शरीरधारी नहीं है लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा, 25 साल में कितनी कितनी भीड़ हुई। तुमने कभी ऐसी आपदा देखी? आज भी उनकी लीला थी, वह दिखा रहे थे, उनको कोई नहीं रोक सकता। वही हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन के लिए अलीगढ़ जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। साथ ही भोले बाबा के सेवादार का ऑडियो में जिस प्रकार के अंधविश्वास को बताया जा रहा है वो हास्यपद प्रतीत होता है। बाकी आपकी इस हादसे पर क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।